हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रही हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में काफी सारी चीजें जो है वो कवर कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से सब डिसिप्लिन बना था मेन ज्योग्राफी का, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड देन वी हैड डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। ओके, तो जिसकी जो डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसके बारे में वी हैड डिस्कस। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो वी हैड डिस्कस अबाउट सम एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज जिसके थ्रू जो है अर्निंग करता है एक ह्यूमन बींग। तो कितने तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में देखा था। देन देयर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड देन थर्ड वन इज दी टर्शरी एक्टिविटीज। ओके, तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज होती है जिनके बारे में हमने देखा था। मीन पूरा पूरा चैप्टर जो है वो इसी को ही लेके डेडिकेटेड है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द एट्थ चैप्टर। ओके, एट्थ चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था, जो किसके बारे में है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है एंड इवन कम्युनिकेशन के बारे में है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में जो है ये चैप्टर है। एंड हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की, अभी तक हमने कवर किया है। तो यहाँ पे कई सारे मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रोड हो गया, रेलवे हो गया, इनके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट दी वाटरवेज ऑल्सो। वाटरवेज के बाद में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी एयरवेज ऑल्सो। ओके, तो ये चार तरह के ये जो है मोड है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूव करता है। उसके बाद में देर इज अनदर वन थिंग, दैट इज द पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन के थ्रू भी जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस चीज का, ऑयल का, वाटर का। एंड उसके बाद में हम बात कर सकते हैं मिल्क का, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंड इवन एलपीजी का भी होता है। तो इन चीजों का जो है ना यहाँ पे एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। तो इन चीजों को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट। ओके, तो इसके बाद में ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो अभी कम्युनिकेशन जो है आजकल के समय में जो है कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ह्यूमन बींग जो है डिफरेंट तरह के मेथड्स को यूज करता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें टेलीग्राफ हो गया एंड टेलीफोन जो हो गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड टेलीग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंटल है। जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का समय था, जो अमेरिकन वेस्ट एरिया है, जब कॉलोनाइजेशन का समय था, उस समय में टेलीग्राफ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। उसके बाद में अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी AT&T जो है उसकी मोनोपोली थी पूरे यूएसए के ऊपर, ठीक है, यूएसए की टेलीफोन इंडस्ट्री के ऊपर। तो इनफैक्ट जो टेलीफोन है, इट बिकेम क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के अर्बनाइजेशन में टेलीफोन जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर जो है वो बन चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें पहुंचाना है तो वो इसी के थ्रू ही हम पहुंचा सकते हैं। एंड आपने इस कंपनी का जो नेम है AT&T के बारे में भी जो है सुना ही होगा। तो फॉर्म सेंट्रलाइज्ड देयर फंक्शनिंग एट सिटी हेडक्वार्टर्स। तो ये जो कंपनीज है, ये जो फर्म्स है डिफरेंट तरह की, वो अपनी फंक्शन जो है कहाँ पे रखती हैं, वो सिटी के जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे रखती हैं। एंड अपनी जो ब्रांच ऑफिसेज होती हैं वो स्मॉलर टाउन्स में रखती हैं। एंड इवन टूडे जो टेलीफोन है वो मोस्ट कॉमनली यूज मोड है एक तरह से, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, वहां पे सेल फोन का यूज किया जा रहा है। एंड सैटेलाइट्स जो है, जो यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुंचाए गए हैं, उसकी मदद से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। एंड रूरल कनेक्टिविटी में सैटेलाइट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर इज अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट टूडे एंड फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था यूज ऑफ द ऑप्टिक फाइबर केबल। अभी क्या है, एक ऑप्टिक फाइबर केबल का यूज किया जा रहा है जो कि फास्टेस्ट वे है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो माउंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सून अपग्रेडेड देयर कॉपर केबल सिस्टम टू इंक्लूड द ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहले कौन सी केबल का यूज किया करते थे, ऑप्टिक कॉपर केबल जो होती थी उसे यहाँ पे ये यूज किया करते थे, बट उसकी जगह पे अब क्या है, ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो ये यूज करते हैं। इसके थ्रू जो है ये हम बोल सकते हैं कि बहुत ही फास्ट वे में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है उसे हम काफी रैपिडली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी काफी सिक्योरली एंड एरर फ्री जो है उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द 1990s, ओके 1990s में आप क्या था कि इंफॉर्मेशन डिजिटाइजेशन हो गई, सारी चीजें अभी इंटरनेट के ऊपर होने लग गई, तो टेली कम्युनिकेशन जो है वो स्लोली किसके साथ मर्ज हो गया, कंप्यूटर के साथ जो है मर्ज हो गया, एंड अब जो है एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन चुका है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। पहले क्या था, पहले टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है, पहले टेलीफोन हुआ करता था, अब टेलीफोन की जगह किसने ले ली है, इंटरनेट ने ले ली है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज इंटरनेट जो है वो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो कि यहाँ पे 1000 मिलियन पीपल को जो है यहाँ पे 100 कंट्रीज के साथ जो है कनेक्ट करता है, मोर देन 100 कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। तो एक नया एरिया आ चुका है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सिंस द 1970s आफ्टर यूएसए, ठीक है, यूएसए के बाद में एंड फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली जो है उसे अर्थ के ऑर्बिट में जो है छोड़ा गया है, सो डेट के रिमोट एरिया जो है, जैसे दूर दूर के गांव है वहां पे भी हम जो है एक तरह से जो इंटरनेट है उसे पहुंचा सकें। तो दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरिएंट इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस। तो अब क्या है यहाँ पे कि चाहे कितने भी डिस्टेंस पे आप बैठे हो, कम्युनिकेशन जो है आपका इजिली हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू। This means it costs the same to communicate over 500 किलोमीटर as it does over 5000 किलोमीटर via satellite. Okay? जितना खर्चा आपका जो है 500 किलोमीटर में आएगा एक जगह को, जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, उतना ही जो है अभी आपका 5000 किलोमीटर को कवर करने में भी लगेगा, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही, ठीक है। तो सैटेलाइट की डेवलपमेंट ने अभी इंडिया ने एक काफी अच्छा काम किया है। आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 1979 में, फिर भास्कर 1 1979 में, देन रोहिणी को 1989 में इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। देन 1981 में एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो है लॉन्च किया गया था एरियन रॉकेट के थ्रू। उसके बाद में भास्कर, चैलेंजर एंड इनसेट 1 भी हो गया। तो इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है, टेलीविजन हो गया और रेडियो जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है, एंड इवन वेदर फोरकास्टिंग जो है वो भी अभी टेलीविजन के थ्रू भी जो है होता है, एंड वो भी एक बूम है इस इंडस्ट्री में। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइबर स्पेस, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो साइबर स्पेस जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस है, एंड जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं इंटरनेट को। इन सिंपल वर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ड होता है फॉर कम्युनिकेटिंग और असेसिंग द इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली हम जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है, एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो साइबर स्पेस जो है हर जगह पे होती है, इट मे बी इन एन ऑफिस, सेलिंग बोट हो सकती है, फ्लाइंग प्लेन में भी होती है, एंड वर्चुअली एनीवेयर जो है साइबर स्पेस जो है वो हो सकती है। ओके, तो स्पीड एट विच दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड, जिस स्पीड से जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अभी फैला है, ये एक ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही अनोखी चीज है। एंड देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर इन 1995, 1995 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 मिलियन से भी कम जो है यूजर थे इंटरनेट के। एट 2000 में जो है ये 400 मिलियन थे, 2010 में अब जो है ये 2 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अभी तो हम 2023 में, तो अभी आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। तो इन लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज बीन अ शिफ्ट अमंग ग्लोबल यूजर फ्रॉम यूएसए टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, अब जो यूजर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी यूएसए, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड परसेंटेज शेयर जो है यूएसए का भी ड्रॉप हो चुका है, 1995 में 66 था, अभी 2005 में जो है कितना हो चुका है, 25 हो चुका है। तो कौन सी कंट्रीज का ज्यादा परसेंटेज है यूसेज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारी इंडिया है, ठीक है। तो यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया जो है इन कंट्रीज के जो है अब यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी वर्ल्ड के यूजर्स हैं। तो As billions use the internet each year, तो आपको पता है कि billions of people जो है वो internet को हर साल use करते हैं। साइबर स्पेस जो है वो एक्सपेंड हो चुका है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस जो है ह्यूमन की, राइट, वो भी चेंज हो चुकी है इंटरनेट के थ्रू। अभी ईमेल्स जो है, ई कॉमर्स हो गया, ई लर्निंग हो गया, ई गवर्नेंस आ गया, तो हर जगह पे इंटरनेट जो है हर जो है फील्ड में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो इंटरनेट टूगेदर विद फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी असेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम। तो अभी जो है और भी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू की जो है इंटरनेट को जो है और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, सो डेट कि जो रिमोट एरियाज के लोग हैं वो भी इसे अच्छे से यूज कर सके।
इट इज दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज मेड द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज ए रियलिटी. तो अब एक विलेज जो है वो एक ग्लोबल विलेज जो है वो बन जाएगा, ये एक रियलिटी जो है वो बन चुका है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 8. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें.